हाय फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू व्लॉग जिसमें मैं करने वाली हूँ एक चैलेंज, व्हाट आई ईट इन अ डे। ठीक है, आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ मैं पूरा दिन में क्या क्या चीज़ें खाने वाली हूँ। ठीक है, ये मेरा मॉर्निंग से व्लॉग शुरू हुआ, यहाँ पर अभी 11 o'clock हो रहे हैं, 11 o'clock हो रहे हैं, तो अब हम लोग आज दोपहर तक रहने वाली हूँ, मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ मैं दोपहर तक मैं क्या क्या चीज़ें खाती हूँ। ठीक है, आप सबके साथ मैं पूरा शेयर करूँगी शाम तक का इवनिंग व्लॉग। ठीक है, व्हाट आई ईट इन अ डे, ये है मेरा चैलेंज आज के व्लॉग का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहुँच गए हैं हाथ एलिफेंट पार्क। एलिफेंट पार्क में यहाँ पर जो जो चीज़ें वो हैं फेमस, वो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली है। रहा हमारा टिकट गाइस, तो हमने टिकट ले लिया और मैंने उल्टा पकड़ा था टिकट, सॉरी मैंने देखा नहीं था, तो गाइस हम लोगों ने ले लिया है टिकट और अब हम लोग जा रहे हैं पानी की बॉटल लेने के लिए और फिर हम लोग चलेंगे अंदर। ठीक है, तो मैं आज करने वाली हूँ एक चैलेंज, बहुत ही ट्रेंडी चैलेंज है ये, व्हाट आई ईट इन अ डे। ये इसमें क्या होता है गाइस कि हमें सुबह से लेकर शाम तक ही अपनी ईट करने की चीज़ें, खाने की चीज़ें दिखानी होती है। तो हम लोग चल रहे हैं, मैंने सोचा कि मैं टूर व्लॉग इसके साथ बना देती हूँ जिसमें आप लोगों को मज़ा आए। घर में मैं क्या ही दिखाऊंगी आपको खाने का, दाल रोटी चावल सालन ये सारी चीज़ें दिखाने की थी, लेकिन मैंने सोचा बाहर चलते हैं और आपके साथ ये व्लॉग, ये चैलेंज बाहर करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ये रहा हमारा प्रयागराज का एलिफेंट पार्क, जो कि यह है बहुत ही ज़्यादा फेमस पार्क। ठीक है, अपने प्रयागराज का, तो अब हम लोग चल रहे हैं अंदर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी गाइस, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, बहुत अच्छा यहाँ का नेचर, यहाँ का व्यू था। मुझे देखिए गाइस, वो रेड स्टोन से बना हुआ माउंटेन और उसके बाद यहाँ पर है कुआं यानी कि डैन, यहाँ पे जाल लगाया हुआ है जिसमें सेफ रहे, कोई बच्चे बच्चे पास जाए तो गिरे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ का पूल, जो कि काफ़ी बड़ा पूल है गाइस, और यहाँ पर गाइस फाउंटेन भी लगा हुआ है, जो आप दो स्वाम देख रहे हैं ना, ये रात को ना इसमें लाइट जलती है और वाटर जो है ना कलर वाले हो जाते हैं, लेकिन अभी ऑफ करा हुआ है क्योंकि दिन का टाइम चल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों स्वाम बहुत प्यारे लगे थे, मैं सोचा आप लोग को भी दिखाती हूँ मैं। और बहुत बड़ा पूल है गाइस, पहले इसमें छोटे बच्चों का ना नाव पे बिठाते थे, लेकिन अब नाव वाले बंद हो गया सिस्टम, तो यहाँ पे बुरा सन्नाटा था, ज़्यादा भी रश नहीं था गाइस, क्योंकि ना ज़्यादा रश आपको मिलेगा उस साइड जहाँ पर झूला रहता है। और ये देखिए गाइस, हम लोग खाने जा रहे हैं मोमोज, माई फेवरेट, आप लोग भी खा लीजिए। और ये मेरा है व्हाट आई ईट इन अ डे का फर्स्ट ईटिंग प्रोडक्ट कह लें या फर्स्ट ईटिंग आइटम कह लें। ठीक है, तो ये मोमोज हम लोग ने खा लिया है, अब हम लोग चल रहे हैं कुछ यमी यमी से ट्राई करने के लिए। मातेश्वरी से, हर मातेश्वरी रेस्टोरेंट से हम लोग खाने वाले हैं। ठीक है, इनका कूलर देखकर मम्मी ने कहा कि भैया यहाँ पर छः का सेट या 12 का सेट मिलेगा, तो मैं तो ले ही लेती हूँ। अरे मैंने बोला मम्मी यहाँ पर ऐसे नहीं बिकता है, वो लोग कॉफ़ी या चाय ही देते हैं उसमें। तो ये है मातेश्वरी का फेमस रेस्टोरेंट और स्वादिष्ट कूलर कॉफ़ी भी मिलती है यहाँ पर, और ये कॉफ़ी के ही नाम से ज़्यादा मशहूर है यहाँ के, यहाँ के कूलर वाली कॉफ़ी बहुत टेस्टी होती है गाइस। और ये रहा झूला, बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं, काश मैं भी इस हम झूलों पे बैठ पाती, लेकिन हम लोग नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ना चालान कट जाएगा गाइस 500 रुपीज़ का। ठीक है, तो इसलिए हम छोटे बच्चों के लिए, तो वही लोग इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग खाकर इंजॉय करते हैं। ठीक है ना, जिन जो 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 फूड लवर हैं गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बताएं मेरी रिंग कैसी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है ना, मैंने हार्ट वाली रिंग पहनी थी, मैं सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। और आपको दिखाती हूँ गाइस, चुप्पे से आइएगा, ये देखिए कैसी यहाँ पर डॉगी सो रहा है, और आप देखिए इसका फेस बताइए, स्माइल कर रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है कि डॉगी स्माइल कर रहा है साफ साफ, और ये उठ गया, उठने के बाद उसका फेस ना गुस्से वाला बन गया था, मैंने चुप्पे से इसे रिकॉर्ड किया। गाइस हमारी आ गई है कुल्लड़ वाली चाट, इनके यहाँ पर सब कुछ कुल्लड़ में मिलता है गाइस, इनका कुल्लड़ वाला टोमेटो ना टोमेटर वाली चाट बहुत अच्छी रहती है गाइस, आप लोग जब भी आए ना कभी खाइएगा ज़रूर। और ये रही हमारी पाव भाजी, चाउमीन, ये सारी चीज़ें हम लोग खाने वाले हैं व्हाट आई ईट इन अ डे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप बताइए आपको क्या क्या पसंद है, चाउमीन पसंद है या पाव भाजी पसंद है या फिर टोमेटो वाली चाट पसंद है। ठीक है, और ये आ गई हमारी कॉफ़ी, जो कि हमारी दोपहर का टाइम हो चुका है गाइस, और अब हम लोग पीने वाले हैं कॉफ़ी। और ये हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत ना लंच कर लिया है चाउमीन का पाव भाजी का, ये मेरी कॉफ़ी है, मम्मी कह रही थी तुम वीडियो बनाती रहो, हम लोग तो जा रहे हैं, तो ये मैंने ना सब कुछ रख के मैं बैठी हुई हूँ अभी, सबकी वीडियो बना लूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, उसके बाद खाती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ अपना पॉपकॉर्न खाने के लिए और चाय कॉफ़ी पीने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा मैं शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और ठंडी के टाइम में तो गाइस कॉफ़ी मज़ा ही आ जाता है ना। तो उसके बाद हम लोगों ने खाई आइसक्रीम, जो कि इवनिंग टाइम हो गया था हमारा। ठीक है ना, तो हम लोग ने आइसक्रीम खाई, मैंने खाई है पिस्ताचू वाला फ्लेवर, मम्मी ने खाई है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और हम लोग चल रहे हैं एलिफेंट के बाद। गाइस मैं आपको ना एलिफेंट में एक चीज़ बताती हूँ, एक फॉल्ट क्या है यहाँ पर जिसको उनको ठीक करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ठीक नहीं किया। देखिए गाइस, इतना बड़ा एलिफेंट और उसकी इतनी छोटी सी आइज क्यों बना रखा है लोगों ने, थोड़ी बड़ी आइज कर देते तो क्या हो जाता। और गाइस मैंने किसी का तीत कभी नहीं छुआ, लेकिन मैंने एलिफेंट का तीत आज फर्स्ट टाइम छुआ है, क्योंकि मुझे ना मन कर रहा था कि मैं उसका तीत देखूँ,
छूकर कैसा फील होता है। बहुत अच्छा लग रहा था गाइस का दीद। और देखिए गाइस उसकी आईज़ बहुत छोटी बनाई उन लोगों ने, इतने बड़ी एलिफेंट की आईज़ तो बड़ी होनी चाहिए थी ना, बहुत छोटी आईज़ बनाई उन लोगों ने। और ये देखिए गाइस यहाँ पर बहुत सारे झूले लगे हुए हैं और बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। और देखिए गाइस इतनी बड़ी बड़ी लोगों को देखो, लोग कैसे जो झूल रही है झूला, देख रहे हैं आप अभी ऐसे ही झूला टूट जाता है बच्चों के लिए, इतनी भारी भारी आंटी लोग झूल रही हैं झूला, चालान कटेगा भी लोगों को समझ में आएगा। तो गाइस अब हम लोग चल रहे हैं, कहाँ पे चल रहे हैं, अब हम लोग चल रहे हैं बाहर, ठीक है। और ये देखिए गाइस ये वाला ट्रेन वाला झूला भी था, मुझे बहुत पसंद ये वाला, लेकिन इसको भी नहीं बैठ सकी मैं, क्योंकि मैं नहीं बैठ सकती थी ना, चालान कट जाता। तो गाइस ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर है कॉकटेल और कबूतर। और ये देखिए कबूतर गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ज़्यादा जानवर अभी यहाँ पर नहीं है गाइस, क्योंकि ना यहाँ पर ना देखभाल नहीं हो पाती है ठीक से, इसीलिए मर जाते हैं। कबूतर है, कॉकटेल है और बस इतने ही है। और गाइस ये रहा हमारा डैम जिसके नीचे हम लोग बचपन में बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाया करते थे, लेकिन अब नहीं जाते उसके नीचे, में डर लगती है कहीं भूत ना हो वहाँ पर, तो इसलिए नहीं जाती हूँ मैं। और देखिए गाइस यहाँ पर ना कितने सारे एनिमल्स बने हुए हैं, ये रहा हमारा जिराफ जिसकी बचपन में बहुत स्पेलिंग सिखाई जाती थी हम लोगों को, लेकिन मुझे याद नहीं होती थी गाइस जिराफ की स्पेलिंग, लेकिन अब याद हो गई है। देखिए गाइस अब हम लोग जा रहे हैं नारियल पानी पीने के लिए, क्योंकि हम लोग सिविलाइज हैं और नारियल पानी ना पिए तो हो ही नहीं सकता गाइस। डॉक्टर ने बोला है नारियल पानी जितना ज़्यादा पिएंगे उतनी आपकी स्किन जो है ना ग्लास फिनिशिंग आएगा आपकी स्किन पर, ठीक है। तो आप लोग भी ज़रूर गर्ल्स पिया करें नारियल पानी से, आपकी स्किन जो है ना बहुत ही शाइनी ग्लोई हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए गाइस फिर से हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, मैं नहीं पी रही हूँ गाइस, ये तो ना मेरे साथ जो लोग हैं ना वो लोग पी रहे हैं, तो मैंने दिखा दिया आपको व्हाट आई ईट इन अ डे, मैं तो खाने की चीज़ें दिखानी होती ना, तो मैं खाने की चीज़ें दिखा रही हूँ आपको, और उसके बाद लेकर चलती हूँ आपको एक यम्मी यम्मी चीज़ें खिलाने के लिए, ठीक है। अब हम लोग आके हैं सुभाष चौराहा और यहाँ पर है गाइस चने की फेमस शॉप, यहाँ पर ग्रीन चना भी है और ब्राउन चना भी है। तो हम लोग बनवा रहे हैं चना चाट, और चना चाट बनवाने के बाद हम लोग पैक करवाएंगे और फिर आप लोग से मिलूंगी मैं एक न्यू व्लॉग में। गाइस इनका चना बनाने का स्टाइल बहुत ही अच्छा था, तो मैं सोचा आप लोग को दिखा ही देती हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी माउथ वाटरिंग कर ही लेंगे। और हमारी चार प्लेट रेडी है और अब हम लोग चल रहे हैं घर, फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़। ये चैलेंज कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके।